Hi dear friends, welcome to Study Close. I hope you all are excellent. आज हम एक बहुत ही important topic पे बात करने वाले हैं, because very soon we are going to launch our legal courses. उसके लिए हम run करेंगे कई सारे programs like for judicial services, for LLB, LLM entrances, PhD entrances in law, UPSC or allied लीगल सर्विसेज वी आर गोइंग टू लॉन्च अवर कोर्सेज. तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये पहले मैं इस पे बात करना चाहता हूँ कि लीगल वाई यू पीपल शुड ज्वाइन लीगल स्ट्रीम. आपको लॉ क्यों करना चाहिए, तो लॉ करने के क्या बेनिफिट्स हैं, और ये बहुत ही ब्रीफ में हम डिस्कस करेंगे, जिससे कि मतलब आफ्टर ट्वेल्थ इफ यू आर स्कूल स्टूडेंट, इलेवेंथ और ट्वेल्थ में हैं आप, तो आप अपना एक मन बना सकें कि आपको लॉ में क्यों आना चाहिए, या फिर आपने एलएलबी कर लिया है 5 ईयर या 3 ईयर कोर्स. बिकॉज एक तो 5 ईयर कोर्स होता है एलएलबी में जो एनएलयूज या फिर इंटीग्रेटेड ऑफर करते हैं, कई सारे एनएलयूज जो कंबाइंड क्लैड होता है, और एक दिल्ली एनएलयू के लिए सेपरेट होता है, बाकी रेस्ट ऑफ द एनएलयूज के लिए ये कंबाइंड ही होता है. और दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया, बीएचयू, देयर आर मेनी प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज जो ऑफर करती है 3 ईयर कोर्स आफ्टर ग्रेजुएशन. अगर आपने बीएससी, बीए कुछ भी किया हो, एमए वगैरह, मतलब वट एवर आप शिफ्ट कर सकते हैं, तो आपको 3 ईयर्स होगा, है ना, इसका ड्यूरेशन. तो लॉ मतलब क्यों करना चाहिए और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, चाहे आपको अगर जज बनना है, आपको पुलिसिंग सर्विस में जाना है, आपको यूपीएससी क्रैक करना है, या फिर आपको प्रोफेसर बनना है, या फिर एज एन अवेयर आपको बिजनेस भी करना है इवन, तो मतलब बाकी सब्जेक्ट्स या बाकी स्टडीज आपके इतने ठीक है, दे आर एट उनकी भी अपनी अच्छी खासी वैल्यू है, बट मैं आपको लॉ की इम्पोर्टेंस बताना चाहूँगा कि आपको लॉ क्यों ऑप्ट करना चाहिए और आपको हमें क्यों ज्वाइन करना चाहिए इन कोर्सेज के लिए, और आप इससे क्या अचीव कर सकते हैं, है ना. तो आफ्टर लॉ मैं आपको अराउंड 12 जो प्रोमिनेंट ऑप्शंस हैं आपके पास, मैं वो बताना चाहूँगा, उससे आपका एक इंटरेस्ट जनरेट होगा, और आप अगर चाहे तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं, और उसके बाद वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि आप इनमें से किसी एक एरिया में हाईली सक्सेसफुल हो अगर आप हमारे साथ आते हैं. तो सबसे पहले तो आप एलएलबी करने के बाद जुडिशियल सर्विसेज अपीयर कर सकते हैं, आप जज बन सकते हैं, और आर्मी में अगर आपको जाना है तो जैग एंट्री मिलती है आपको, जज एडवोकेट जनरल, आप आर्मी में भी सर्व कर सकते हैं. मतलब एक तो आप लॉयर हैं, आप लॉ जानते हैं, ऊपर से आप आर्मी ऑफिसर भी हो सकते हैं. तीसरा, यूपीएससी में लॉ ऑप्शनल ले सकते हैं, या फिर आप आईएएस, आईपीएस, आईआरएस कुछ भी करें, आईसीएलएस, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, रेलवे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, डिफेंस, मतलब अकाउंट सर्विसेज, आप जहाँ भी जाएं लॉ का बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है, बिकॉज विदाउट लॉ नो डिपार्टमेंट कैन रन. तो यूपीएससी में भी आपको लॉ तो पढ़ना ही पड़ेगा, आप आईपीएस बनते तो आपको कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, या फिर आईएएस बनते तो सब पढ़ना ही पड़ेगा, और आईपीएस होते हैं तो जितना क्रिमिनल लॉ है वो सब आपके कमांड पे होना चाहिए, आईआरएस है तो आपको रेवेन्यू लॉज आने चाहिए, इंडियन कॉर्पोरेट लीगल सर्विसेज में तो आपको सारे कॉर्पोरेट लॉ आने चाहिए, रेलवे में तो है तो आपको रेलवे के एडमिनिस्ट्रेशन के, मतलब बिकॉज कंट्री रन्स ऑन लॉ, जैसे ट्रेन चलती है ना ट्रैक पे, वैसे जो हमारा नेशन है और जितना भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, या फिर जो भी लॉ, वन ऑफ माई सीनियर वंस टोल्ड मी इन सुप्रीम कोर्ट डेट लॉ इज लाइक कैनोपी, इट कवर्स मेडिकल, इंजीनियरिंग, इवन योर होम, फैमिली मैटर्स, इट गोज वेयर देयर आर टू पीपल, लॉ कम्स इन टू मोशन. जब तक आप अकेले हैं तब तक ठीक है, जैसे दो लोग आ जाएं, आप इट रन्स फ्रॉम योर बेडरूम टू इवन टू गवर्न नेशनल एंड इंटरनेशनल इशूज, बिकॉज मैट्रिमोनियल से लेके पूरा हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे हैं दूसरी कंट्रीज के साथ, तो इंटरनेशनल लॉ, लॉ ऑफ सी, मतलब हमारा जो मैरिटाइम लॉ है, तो देयर आर डाइवर्स एरियाज इन लीगल फील्ड जहाँ आप अपना अच्छा करियर बना सकते हैं. तो बात करते हैं हम बड़ा सिस्टमेटिकली क्या क्या ऑप्शन है. आप एक जज बन सकते हैं, दूसरा आप आर्मी में जा सकते हैं जैग एंट्री,
तीसरा आप यूपीएससी कर सकते हैं, है ना, जैसे मैंने बताया यूपीएससी में, बिकॉज अल्टीमेटली लॉ तो पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे आप उसको सिलेक्शन के बाद पढ़ें या पहले पढ़ लें तो और अच्छा है, बिकॉज पॉलिटी और बाकी जितने आपके उस पर एक अच्छा कमांड होगा। पॉलिटी इज नथिंग एल्स, इट्स ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, है ना। उसके बाद आप प्रोसिक्यूटर बन सकते हैं, जो अभियोजन अधिकारी कहते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से लॉ ऑफिसर होते हैं, जो स्टेट लेवल पे होते हैं एडवोकेट जनरल, सेंट्रल लेवल पे होते हैं सॉलिसिटर जनरल एंड अटॉर्नी जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स, एंड इन डिस्ट्रिक्ट एंड एट हाई कोर्ट लेवल इन सर्टेन एरियाज, दीज आर कॉल्ड प्रोसिक्यूटर्स, जो सजा दिलाने का काम करते हैं सरकार की तरफ से। एक डिफेंस लॉयर होता है, वो प्राइवेट लॉयर होता है, तो उस पर बात करेंगे, वो प्राइवेट प्रैक्टिस का। आप लॉ प्रोफेसर बन सकते हैं, LLB, LLM और UGC नेट, JRF जो भी है, आप क्रैक करने के बाद लॉ प्रोफेसर बन सकते हैं, है ना। आप लॉ फॉर्म्स में काम कर सकते हैं, लॉ फॉर्म्स कई सारे जो क्लाइंट सॉलिसिट करते हैं डिफरेंट एरियाज में, कॉर्पोरेट हो गया या फिर IPR हो गया, क्रिमिनल हो गया, सिविल हो गया, मैट्रिमोनियल हो गया, फैमिली लॉज, लॉट ऑफ स्कोप। लॉ इज द लाइक इट्स एन ओपन ओशियन, इससे ज्यादा कुछ डाइवर्स है ही नहीं, बिकॉज ये मेडिकल पे भी अप्लाई होगा, इंजीनियरिंग पे भी होगा, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, इट अप्लाइज एवरीवेयर, रेवेन्यू, एनी मैटर, इवन घर पे अप्लाई होता है यार। फैमिली में झगड़ा हो जाए तो कहाँ जाएंगे, कोर्ट ही सेटल करेगा। कंट्री में, टू स्टेट्स में झगड़ा हो जाए या फिर दो नेशंस में आपस में कोई दिक्कत है तो इंटरनेशनल कोर्ट, यूनाइटेड नेशंस। तो लॉ की इतनी वैल्यू है, तो मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप हमें ज्वाइन करते हैं तो इट विल बी विल प्रोवाइड बेस्ट ऑफ द बेस्ट अवेलेबल गाइडेंस इन दिस कंट्री, बिकॉज यू कैन व्यू माई प्रोफाइल एंड आई एम प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 4 ईयर्स इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड टॉप्ड ऑलमोस्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी इन ग्रेजुएशन LLB। माई ग्रेजुएशन वॉज इन मेडिकल, आई शिफ्टेड फ्रॉम मेडिकल टू लॉ बिकॉज लॉ ने मुझे इतना एल्योर किया, सो इट वॉज फैसिनेटिंग। आई वॉज अ मेडिकल ग्रेजुएट, फिर मैंने लॉ किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से, टॉप किया, नाउ LLM ऑल्सो टॉप्ड। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ जो मुझे रियलाइज हुई, बिकॉज नेशन रन करता है लॉ से, और इसका बहुत ही एक हाईली इम्पोर्टेंट वैल्यूएबल वैल्यू रखता है किसी भी एरिया में, बिकॉज आप यू फील इम्पावर्ड आफ्टर स्टडिंग लॉ। एंड अगर आपको अच्छा पॉलिटिशियन बनना है तो, बिकॉज जितने भी बड़े आप लीडर्स देखेंगे, वर्ल्ड लीडर्स, चाहे हमारे गांधी जी हो, हमारे राष्ट्रपिता, या फिर पहले हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर नेहरू साहब हो, या फिर US प्रेसिडेंट बराक ओबामा हो, या फिर कोई भी आप ले लीजिए, अपने अरुण जेटली सर, सुषमा स्वराज मैम और कपिल सिब्बल सर, जितने भी, मतलब जितने भी बड़े लीडर्स हैं, किसी भी अब्राहम लिंकन सर, मतलब आप जिसको भी देखें, ममता बनर्जी CM, जितने भी देखें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा सर, ये सब एलुमनाइज थे, मेरे सीनियर्स थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने किया था। तो दिस इज द, मतलब जितने भी आपको अच्छा लीडर, पॉलिटिकल लीडर बनना है तो आपको लॉ तो आना ही चाहिए, बिकॉज तभी आप अच्छा बोल पाएंगे और कंट्री में अच्छे से गवर्नेंस कर पाएंगे, और आपको एक समझ होगी पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स की भी, और आप पब्लिक के हक की बात रख पाएंगे। और स्टेट लीगल सर्विसेज होती हैं स्पेशलाइज्ड, अलाइड सेंट्रल लीगल सर्विसेज होती हैं, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या फिर कॉर्पोरेट रिलेटेड और भी कई सारी सर्विसेज होती हैं, CBI की, CBI में लीगल सर्विसेज होती हैं, CBI प्रोसिक्यूटर वगैरह, स्टेट प्रोसिक्यूटर, दिल्ली में प्रोसिक्यूटर्स की आती है वैकेंसीज। आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में लीगल रिसर्चरशिप कर सकते हैं, है ना। और उसके बाद आप लास्ट, अगर आपको किसी के साथ काम नहीं करना, किसी के अंडर आपको काम करने का मन नहीं है, आप अपना इंडिपेंडेंट, जैसे कि बिजनेस करते हैं, और आपको अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करने का शौक है, तो एज एन लिटिगेशन प्रैक्टिस डिफेंस काउंसिल यू आर ऑलवेज वेलकम। आपकी अगर प्रैक्टिस अच्छी चल जाए तो उससे बड़ी बात ही क्या है, लाखों करोड़ों की अर्निंग होती है। अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस, आपके लॉ पे अच्छी कमांड है और आप अच्छे एलोक्वेंट स्पीकर हैं, तो कोई बिजनेस बिजनेस किसी की जरूरत नहीं पड़ती, यू आर वन मैन आर्मी। बिकॉज शुरू में तो थोड़ा करना पड़ेगा आपको एफर्ट्स, अदरवाइज उसके बाद यू आर वन वन मैन आर्मी, आप अकेले लाखों लोगों को बचा सकते हैं, और पैसे की तो कोई कमी नहीं है इस फील्ड में अगर आप अच्छे लॉयर हैं।
है ना, और उसके बाद आपको एक रिस्पेक्टफुल सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं, पुलिस और ये सब, मतलब जितने भी हैं सब पॉलिटिशियंस आपके अच्छे अच्छे लिंक्स होते हैं, ऑल रिस्पेक्टिव, बिकॉज आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, किसी भी ट्राइब्यूनल में जाकर उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनको उनका हक दिला सकते हैं। तो दिस इज द पावर, लॉ इज पावर एंड लॉ इज लाइक अवेयरनेस। तो इफ अ सिटीजन इज अवेयर, ए कॉमन मैन सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। अगर वो, और स्ट्रांग कॉमन मैन कौन होगा? जो सबसे ज्यादा लीगली अवेयर है, जिसको अपने हक पता है, अपने अधिकार पता है, अपने राइट्स ड्यूटी पता है ना। और जो दूसरों को हक दिला सकता है तो बात ही क्या है, वो कौन होगा? वो एक लॉयर होगा। अब जितने भी बड़े प्रोमिनेंट सक्सेसफुल लीडर्स देख लें वर्ल्ड के, सब लॉयर्स ही मिलेंगे आपको। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ। तो आप आइए, अगर आप स्कूलिंग में हैं तो आप, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट ज्वाइन अस, और आप LLB कर चुके हैं तो फॉर PG क्लैट ज्वाइन अस, आई विल बी टीचिंग यू। हम बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करेंगे सो डैट यू कैन स्कोर 1 or 2 digit रैंक होपफुली। मैं अपने पूरे बेस्ट एफर्ट्स पुट करूंगा आपके साथ, है ना। तो थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप वॉचिंग इट, स्टडी क्लोज, थैंक यू सो मच।